का बकायदा टिकट चेक किया जा रहा है फॉर लाइन। अभी करंट स्पीड देख लो भाई 103 गरबा गरम। साढ़े चार रेट है, तीन पर डील हो गया, लेना है तो ले लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का अपना जर्नी 1235 भागलपुर मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपर फास्ट एक्सप्रेस में होने वाला है, जो कि सप्ताह में सिर्फ तीन दिन संडे ट्यूसडे और फ्राइडे को भागलपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच चलती है। ये ट्रेन भागलपुर से सुबह 8:55 पर निकलती है और अगले दिन शाम को 5:50 पे लोकमान्य तिलक टर्मिनस को पहुंचाती है। अभी अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे वनांचल एक्सप्रेस आई है, जिसमें आसनसोल का WAP-4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। ये ट्रेन का सेकेंड सीटिंग क्लास भी देख लो यार, ऑलमोस्ट ठीक ठाक कंडीशन में आई है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। दोस्तों अभी अपनी ट्रेन आने में ऑलमोस्ट 40 मिनट बाकी है, तो चलिए इसके कोच कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में 3 जनरल के कोचेज हैं जो कि आगे की ओर दिए हुए हैं, फिर स्लीपर के 9 कोचेज हैं, थर्ड एसी के 5, सेकेंड एसी के 2, और इसमें ऑन बोर्ड पैंट्री कार कोच भी दिया हुआ है, तो रास्ते में खाने पीने के लिए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बाकी चलिए जब ट्रेन आती है तब आपसे मिलते हैं। वैसे तो ऐप में प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे शो कर रहा है इसका अराइवल, बट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगा दिया गया है। और देखो जनरल में कैसे एंट्री लिया जा रहा है, सबका बकायदा टिकट चेक किया जा रहा है और लाइन वाइज सबको एंटर कराया जा रहा है। अरे रे रे रे, आराम से भाई, आराम से। अरे भाई घोड़ा का कभी तो मिलेगा नहीं भाई इस ट्रेन में आपको देखने को, घोड़ा बुरी मिल ही जाएगा आपको। एक मिनट आप साइड हो जाओ थोड़ा। अरे भाई काहे लड़ रहे हो यार, एक सीट लेकर बैठ जाओ, अभी पूरी ट्रेन खाली है। बाकी इस ट्रेन के जनरल कोच के साफ सफाई का बात कर ले तो साफ सुथरी अभी ट्रेन दिख रही है, अभी ट्रेन बिल्कुल साफ सुथरी होके आई है। तो ये देख लो इधर में फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है, इधर में सिंक से पानी प्रॉपर आ रहा है, बिल्कुल साफ सुथरी है। वॉशरूम का कंडीशन आप लोगों को दिखा देते हैं, दोनों साइड इंडियन स्टाइल वॉशरूम ही दिया गया है। बाकी चलिए आपको हम दिखा देते इसका कंडीशन। चलो ये देख लो भाई, पानी वगैरह प्रॉपर आ रहा है, कोई अभी जाके मसाला पान थूक दिया है। शीशा भी ठीक ठाक है, अच्छा कंडीशन में, साफ सुथरा है। बाकी नीचे में आप लोग देख लो सीट का कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरी है। बाकी इसके बाद आप लोगों को तो पता ही है कि जनरल क्लास है, तो इसका हाल गंदा होने वाला है, बाकी अभी बढ़िया है। सीट वीट मिल चुका है अपने साथ, अपने दोस्त भी ट्रैवल कर रहा है मनोज, इसका भी खुद का चैनल है, ब्लॉगिंग करता है, ट्रेन जर्नी करने वाला इसमें साथ में, इसका चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। फिलहाल बिल्कुल ऑन टाइम हम लोग भागलपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर कर चुके हैं। Thank you.
करंट स्पीड देख लो भाई, 103 104 100 प्लस ही है, तो स्पीड काफी अच्छा मेंटेन कर रही है। फिलहाल इसकी पहली स्टॉपेज सुल्तानगंज पहुंचे हैं। यहाँ पे आते आते देख लो बारिश वाला पूरा मौसम हो रखा है, और बाकी जो भी कोचेज में खाली सीट बचे हुए थे वो सब यहाँ पे पैक होने वाला है पूरा। बरियारपुर इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज है। वैसे यहाँ भी कुछ लोग बोर्ड करने वाले हैं, इसके बाद जमालपुर, अभयपुर, फिर कजरा। मैं तीनों स्टेशन को स्किप करने वाला हूँ, सभी जगह दो दो मिनट का स्टॉपेज है, कोई मतलब नहीं बनता है उतर के। और मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म वगैरह दिखा दूँगा, बाकी आपसे डायरेक्ट मिलेंगे आप क्यूल जंक्शन पे। मरद नहीं है, नहीं है, आशीर्वाद दे। हाँ बोल रहे हैं आपको, फिर भी अब नहीं समझ रहे, बोल रहे हैं आप लोग, खाएगा पिएगा भरेगा। चलिए झाल मुरी थोड़ा सा प्यार से मेरा काम हो जाएगा तो दोबारा मिलूंगा। मेरा क्लियर पकड़ा है, हम तो खड़ा खड़ा बना देते हैं, वो नहीं खड़ा खड़ा बना देते हैं। 30 रुपए 4 है, गरबा गरम गरबा गरम। हाँ 30 एकदम सामान सर खा के देखिए तब पैसे। जमालपुर से अभी जो 30 का 2 लिट्टी और 2 समोसा लिए थे, खा के उतना मजा नहीं आया, थोड़ा सा और गर्म होता तो और ज्यादा टेस्टी लगता। चाय 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 चाय
तो फिलहाल तो अपनी ट्रेन कजरा पहुंची है, लेकिन मैंने आपको सुल्तानगंज में ही बताया था कि बारिश वाला मौसम पूरा हो रखा है और यहाँ पे आते आते हमें बारिश देखने को भी मिल गया है। पूरा जो है हल्का फुल्का बूंदाबांदी शुरू हो गया और पूरा आंधी चल रहा है भाई, आंधी चल रहा है आंधी। आपको ऐसे तो कैमरा में पता चल नहीं रहा होगा, आप ट्रैक पे देखो आपको अनुमान लगेगा, ये देखो। तो फिलहाल ऐसे ही बूंदाबांदी हो रहा है, देखो बारिश तेज ना हो जाए, तेज होगा तो क्या होगा। लावो ना जी, जितना बोले उतना ही दो ना, बढ़िया चीज है, बढ़िया आवाज है। सोनी का माल है का महाराज? कितना में खोज रहे हो? ये देखिए जकरा ना लेना वो सोनी का माल खोज रहा है। साला 50 रुपया का ले ही नहीं सकते हो, तुम सोनी खोज रहे हो? सोनी का लेगा, सोनी का भैया, सोनी का मांग रहा है। तुमको बता दिए ना कि तुमसे 1 रुपया का भी सामान उनसे नहीं खरीदा पाएगा। अरे मेरे पास महाराज है हेडफोन, हम लेके क्या करेंगे? तो 98 किलोमीटर की दूरी कवर करने और 2-3 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन इसकी 6th स्टॉपेज किउल जंक्शन पहुंची है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अब आपसे किउल जंक्शन पर मिलेंगे, तो ये देख लो किउल जंक्शन का नज़ारा। प्लेटफॉर्म जहां आना चाहिए था वहां आया नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो कोच है बहुत आगे है और मैं बाहर निकल नहीं सकता हूँ क्योंकि बारिश हो रहा है। वैसे मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि इसमें पैंट्री कार तो है, बट अभी तक जो है इस ट्रेन में, इस कोच में, जनरल कोच में पैंट्री वाले लोग सिर्फ चाय लेकर ही आए, न खाना न पानी, सारा जो है लोकल जो वेंडर्स होते हैं वही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाकी आगे देखिए, हो सकता है पैंट्री के जो स्टाफ हैं वो खाना वगैरह लेके आए हैं। बाकी यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। वैसे तो अपनी ट्रेन का किउल जंक्शन पे 5 मिनट का स्टॉपेज दिखा रहा था, 5 मिनट का स्टॉपेज था, बट 1-2 मिनट ही ट्रेन यहाँ मुश्किल से रुकी हुई है और हम लोग किउल जंक्शन से डिपार्ट कर चुके हैं।
लखीसराय। चाय पिलाएंगे, चाय चाय दूध है, चाय चाय जगह अलग ना ये और कैसा था? नहीं, ये अलग थी, जगह अलग। अरे नहीं सारे यही टिकट कटा है मेरा, माय होते बागल वहां से आया तो बागल चंडी के बाबू देखे मशीन वाला काटा है वही तो कर गया जी। पटना जंक्शन पे 1:55 पे पहुंचने का टाइम था, बट 40 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन 2:35 पे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी आज का अपना जर्नी जो है पटना जंक्शन तक ही होने वाला है। जो भी सीट्स आप लोगों ने जनरल में खाली देखा था वो ऑलमोस्ट यहाँ पे फील हो चुका है, भर चुका है। वैसे बात करें जर्नी एक्सपीरियंस की तो जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, वैसा भी कुछ खास अनुभव वाला बात नहीं था, नॉर्मल सा ट्रेन जर्नी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि और क्या कुछ ऐड करना चाहिए था। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी तरह का वीडियोस हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।